हे गाइस, कैसे यार आप सभी लोग। स्वागत है एक और नए एपिसोड में ऑल द मोर 6 के। तो कैसे यार आप सभी लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो यार गाइस, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी होगा आई थिंक। क्योंकि गाइस मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया हूँ, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा गाइस। काफ़ी लंबे टाइम से मैं यूट्यूब पे हूँ, अभी जाके कुछ सपोर्ट मिला था कि भाई हाँ 1,000-2,000 व्यूज से थोड़े 20,000-25,000 व्यूज तक मैं पहुंचा बड़ी ही मेहनत करके। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी मैं स्टक हो गया हूँ एक जगह पे। मतलब ना तो आगे बढ़ पा रहा हूँ और ना ही कुछ ग्रोथ हो रही है। मतलब थोड़ा पीछे ही जा रहा है, आगे तो नहीं जा रहा बल्कि पीछे ही जा रहा है। तो यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आई डोंट नो क्या यार, सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा। मैं इतना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप देखते हो भाई कितने लंबे लंबे वीडियोस होते हैं, 20-20, 25-25, 30-30 मिनट के वीडियोस होते हैं। मैं बस आप लोगों से भाई, जो भी लोग मतलब ये सोचते हैं कि यार ये तो रोज़ डेली वीडियो डालता है, यार इसको क्या करें, मतलब इसका तो रोज़ का ही काम है, देखे या ना देखे। यार मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियोज़ देखते हो ना तो उन पे एड्स भी आती है, तो यार देख लिया करो वीडियो। मतलब चाहे पूरी मत देखो, बस आके एक लाइक कर दिया करो, मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैं नहीं बोलता कि आप पूरी वीडियो देखो, क्योंकि यार मेरे ना काफ़ी सारे सब्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 90,000 से ऊपर है, लेकिन आप व्यूज देखते हो 20,000-25,000, मतलब आधे व्यूज भी नहीं आते हैं। तो यार पता नहीं क्या है, मेरे सब्सक्राइबर अनएक्टिव हो गए या फिर मैं कुछ अच्छा नहीं बना रहा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर तो माइनक्राफ्ट के हैं और मैं माइनक्राफ्ट ही तो खेलता हूँ, इतना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा यार। आज मैंने एक पोस्ट भी किया, कम्युनिटी पोस्ट, क्योंकि यार मैं और लोगों को देख रहा हूँ, वो नए नए आ रहे हैं यूट्यूब पे और इतना अच्छा, मतलब कुछ इतना खास नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, बट यार उनके व्यूज मिलियंस में चले जा रहे हैं। अभी नए यूट्यूबर आए हैं जस्ट, मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर उन्होंने इतना ग्रो कर लिया कि कोई हद नहीं है उस ग्रो की। मतलब 1 मिलियंस व्यूज चले जा रहे हैं उनके। तो यार मैं इतने लंबे टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, बट पता नहीं यार कहाँ एक गलती हो जा रही है। यार सजेस्ट करो आप लोग तो मैं वैसा करता हूँ भाई, अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो। लेकिन यार आज एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला तो यार वो मतलब उसके कमेंट पढ़ के मैं थोड़ा मतलब थोड़ा सा भावुक हो गया, क्योंकि यार उसमें मुझे पता चला कि यार सच में यार है, यार मतलब कोई तो है यूट्यूब पर भाई जो आपको पसंद करता है। सीरियसली गाइस मेरा मन बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि गाइस मैं फुल टाइम यूट्यूब करता हूँ और अभी तो भाई फ़िलहाल कोई काम है नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ काम स्टार्ट किया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, पूरी कंपनी बंद हो गई, वो तो क्या कर सकते हैं, अब वो काम छोड़ना पड़ा। तो मैंने यूट्यूब की तरफ थोड़ा ध्यान दिया कि चलो यार यूट्यूब भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा इनकम जनरेट होना शुरू हो गया था, बट अब वो भी बंद हो गया है क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे उतने जितने आने चाहिए। और यार ये सब आप लोगों पर डिपेंड करता है यार, कभी कभार भाई एड्स आए ना तो देख लिया करो यार, एड्स भी कर दिया करो कुछ क्लिक वगैरह, क्योंकि यार ये इम्पोर्टेंट है यार मेरे लिए, आप लोग समझो समझो बात को यार, क्योंकि फिर अगर इससे बात नहीं बनेगी तो यार घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो फिर कुछ और काम करना पड़ेगा मुझे। लेकिन यार मुझे YouTube भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से YouTube कर रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से इंस्पायर हुआ था YouTube पर, बट सपोर्ट ही नहीं मिल रहा यार, क्या करें यार। जब अकेला पड़ जाता है ना कोई बंदा ऐसे प्लेटफॉर्म पे तो बहुत, मतलब वैसे तो अकेला ही आ रहा हूँ मैं, काफ़ी लंबा सफ़र करके आ रहा हूँ अकेला, बस आप लोग ही हो जो भी हो सब्सक्राइबर, और तो कोई किसी का कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं मिला। तो देखते हैं यार गाइस क्या होता है, अब आप लोगों पे है भाई सब कुछ। चलो ये तो भाई मेरा छोटा सा स्टोरी था, बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, उतार चढ़ाव तो आएंगे यार। तो भाई तो चलो भाई अभी आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो भाई हमने, आप लोगों को पता है कि हम अपना कॉलोनी बना रहे हैं, तो कॉलोनी हमारा बन चुका है और भाई हमारे रात हो गई है, तो रात हो गई तो गाइस अपने को सोने जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि रात को जो है ये काम नहीं करते हैं हमारे बिल्डर्स, और सोएंगे तभी तो काम होगा। सो गुड नाइट बॉयज, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग, सुबह हो गई मामू। तो चमेली और रॉकेट सिंह ये फुल ऐश मारते हैं भाई, मतलब ना इनको अपने फ्यूचर की परवाह, ना इनको कोई काम करना है, आराम से बैठ के चिल मारते हैं यहाँ पे। यार इनकी लाइफ ही ज़्यादा अच्छा है वैसे हमारे से, अच्छा तो यार सच में।
सो गाइज यार मैंने जो लास्ट टाइम बोला था कि हम अपने बिल्डर हट को है, यानी कि जो हमारा बिल्डर हट है ये उसका घर है बिल्डर का, यानी एक तरह से उसकी शॉप भी बोल सकते हो, वर्किंग स्टेशन, तो इसको मैंने अपग्रेड कर दिया है। तो अभी इसको अपग्रेड करने के बाद अब इसको हमें सामान देना होगा, क्योंकि अभी हमारे लिए काम करेगा इसको, अपने ही घर को अपग्रेड करेगा। तो ये सामान है भाई जो इसको देने हैं, बहुत ही बेसिक से सामान है, तो हम इसको प्रोवाइड करवा देते हैं और उसके बाद ये अपना बिल्ड शुरू करेगा और इसको अपग्रेड कर देगा। और फिर ये अपग्रेड होने के बाद जो है हम अपना टाउन हॉल भी अपग्रेड कर देंगे। और यार बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार क्लैश ऑफ क्लैन जो एक गेम थी मोबाइल की, उसमें भी टाउन हॉल था तो उसमें भी कलोनीज बनती थी। होली मोली, मैंने शुगर केन को नोटिस नहीं किया भाई, ये ख़त्म कहाँ हो रहे हैं। होली क्रैप, ये तो बिल्कुल आसमान को छूने वाले हैं भाई, बहुत ज़्यादा लंबे हो गए गाइस। मैंने फर्स्ट टाइम इतना लंबा शुगर केन देखा है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, वैसे अच्छा भी लग रहा है यार। चलो ठीक है, तो भाई अब टाउन हॉल को हम अपडेट करेंगे बिल्डर हट के बाद, मैं उसको सामान प्रोवाइड करवा देता हूँ और थोड़ा सामान मेरे इन्वेंट्री में भी है, ठीक है भाई, तो ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। सो गाइस सामान हमने इसको प्रोवाइड करवा दिया है भाई, ओके। तो अब इसने बिल्ड करना भी शुरू कर दिया और ये काफ़ी फास्ट बिल्ड कर रहा है, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है भाई। जैसे ये बिल्ड ख़त्म करेगा हम अपना टाउन हॉल बिल्ड करना शुरू करवाएंगे। तो इसने अपना बिल्ड ख़त्म कर दिया है भाई, नाइस। एक वेयर हाउस लगाएंगे और इसने अपना ये लेवल 2 का कर दिया है, यस इसने अपने लेवल 2 का कर लिया है ये, और अब ये और भी बढ़िया तरीके से फास्ट काम करेगा। और यार अब मुझे माइनिंग गैजेट लाना पड़ेगा अपना, क्योंकि माइनिंग गैजेट से थोड़ा ज़्यादा जल्दी हम एरिया को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यार अपने को अब बड़ा सा एरिया चाहिए होगा जहाँ पे हम अपना सामान, अपना कॉलोनी बसा सकते हैं। और यार ये जेट पैक अभी तक नहीं भरा और मशीन तो भरने भी वाली है, पता नहीं जेट पैक क्यों नहीं भरा, मुझे ये समझ नहीं आया। वैसे यार अब मैं थोड़ा सा बड़ा एरिया चंक लोड कर लेता हूँ, क्योंकि अब हम थोड़ा बड़े एरिया में काम करने वाले हैं तो अपने को बड़ा एरिया लगेगा भाई। चलो गाइस मैंने एरिया को भाई चंक लोड कर लिया है, अब यहाँ पे क्रीपर वगैरह आएगा तो यार वो फटेगा ना, तो नुकसान नहीं होएगा हमारा कम से कम। और ये एरिया मेरे को क्लियर करना है भाई, और इसको मैं थोड़ा लंबा सा कर देता हूँ क्लियर। और यार मुझे मिक्स चीज़ से काम करना पड़ेगा, मतलब मुझे पैक्सल से भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। और मेरी पैक्सल ये रही, तो क्योंकि यार पैक्सल बड़ी मज़ेदार है इसमें, देख रहे हो, मतलब बहुत सही है पैक्सल, क्योंकि यार ये तो तबाही मचा देती है माइनिंग मशीन तो। और देखो अगर वो मेरे उसको लग जाती ना भाई, ये देखो यार ये ज़मीन में भी गड्ढे कर देती है, तभी मेरे को थोड़ा इसको ना देख के चलाना पड़ेगा। ओके ये हमारा, ओके ये हमारे स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ती, ये सिर्फ ब्लॉक को तोड़ती है। चलो यार ये चीज़ सही है फिर तो। सो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा एरिया मैंने जो है साफ़ कर दिया है, बस मैं अपना इन्वेंट्री खाली कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा इन्वेंट्री ठसा ठस भर गया है भाई, और मेरा डैंक भी भर गया है। और यार मुझे लगता है अपना, मुझे अपना डैंक का ना इसको थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी इसको अपग्रेड करना चाहता था बट अपग्रेड कर नहीं पाया। तो चलो इसको भी देखते हैं यार ये अगर अपग्रेड हो पाएगा कि नहीं। और यार मैंने एक मॉब्स को मारा है, उससे मुझे को रिफाइंड ऑब्सीडियन की स्वॉर्ड मिली है, शार्पनेस 3 लगा हुआ है इसमें, तो इसको रख देते हैं, बाद में इसको इंचेंट करके देखेंगे भाई, डिसइंचेंट करके देखेंगे। सो गाइज यार मैंने काम करते करते सोचा कि यार मेरे पास ना बहुत सारा फालतू का सामान हो जाता है, तो अब मैंने यहाँ पे एक डस्टबिन बना लिया है, तो इसमें भाई हम डाला करेंगे अपना सामान। और मैं दिखाया था आपको मैंने क्या क्या लगाया, तो इसमें एक, अरे यार मैं अंदर ही फंस गया, इसमें एक ट्रैश कैन बनता है, अरे यार ये इसने ऑटो पिकअप कर लिया, इसको बंद करते हैं ऑटो पिकअप को, ये रहा आइटम ट्रैश, तो ये इसमें एक बनता है आइटम ट्रैश कैन, बहुत ही आसान है, पत्थरों वत्थरों से बन जाता है, तो इसको लगा दिया मैंने। और इसको होपर से अटैच कर दिया है, ये देख रहे हो आप होपर, तो इसको मैंने होपर से अटैच कर दिया है गाइस। अब मैं चेस्ट में जो भी सामान डालूंगा ना वो होपर में जाएगा और होपर से सीधा जाएगा ट्रैश कैन में, तो भाई ये एक बहुत ही सही चीज़ है, मतलब इससे क्या होगा मेरे को हेल्प मिलेगी, जो मैं फालतू का सामान मेरे इन्वेंट्री में आता है और ये जो उठा लेता है ना, जैसे ये डर्ट वगैरह है, तो ये सब जाएगी इसके अंदर इस तरीके से, और ये धीरे धीरे खाली होते रहेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो भाई मेरा जो यहाँ पे ये स्टोरेज है ये फुल हो गया है, और ये फालतू की चीज़ों से ही फुल हुआ है, तो मैं इसको खाली करूँगा। और भाई खाली करने के लिए सबसे पहले तो मैं डर्ट ही निकालूंगा, हालांकि सारी नहीं निकालूंगा लेकिन काफ़ी हद तक निकाल दूंगा, और फालतू की चीज़ें मैं निकालने वाला हूँ जैसे ग्रेवल वगैरह वगैरह, और एक एक स्टैक रखूँगा सिर्फ, फालतू की चीज़ें नहीं रखूँगा मैं। ये देखो 20,000 तो मेरे पास कोबल स्टोन है, इन सब को निकालूंगा मैं, क्योंकि यार इतना सारा सामान जो है ना सही नहीं है रखना,
क्योंकि यार 20,000 कोबलस्टोन कौन रखता है भाई। तो ये भी भाई काफ़ी हद तक भर गया है हमारा जेट पैक, तो अभी हम जेट पैक का यूज़ करेंगे ताकि हम अपना आवन जावन जो है थोड़ा स्पीड में कर सके भाई। और इसे सच में यार अपना जो आना जाना है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये देखो भाई इस तरीके से और भी ज़्यादा स्पीड में आ जा पाएंगे हम। तो गाइज़ हमारा बिल्डर हट जो है कंप्लीट हो चुका है लेवल 2 में। अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक वेयर हाउस। तो वेयर हाउस के लिए मैं बिल्डिंग टूल यूज़ करूँगा। कहाँ है मेरा बिल्डिंग टूल, तो इसको ज़मीन पे लेके आते हैं थोड़ा। तो ऐसा दिखेगा हमारा वेयर हाउस, लेकिन इसका फेस किधर की साइड है भाई? आई थिंक ये इसका फेस है। ओके ये इसका फेस है भाई इस साइड। तो ऐसा दिखेगा गाइज हमारा वेयर हाउस, आप देख सकते हो ऊपर से भी देख सकते हो। और अच्छा लग रहा है यार, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको इसके बराबर कर सकता हूँ, तो चलो इसको बराबर कर देते हैं, थोड़ा सा आगे ले आते हैं। ओके अभी सही है, अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इसको अपडेट करेंगे तो पीछे से भी इसको जगह चाहिए होगी। हाँ अभी अच्छा लग रहा है, नाइस। तो यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देते हैं। तो ठीक है भाई, अब हम इसको कर देते हैं प्लेस। यस अब ये प्लेस हो गया है। और फालतू की चीज़ें मैं थोड़ी सी हटा देता हूँ ताकि भाई हमारे बिल्डर को थोड़ी आसानी हो सके इसको बिल्ड करने में। और अब वेट करते हैं भाई इसका बिल्ड होने का, क्योंकि यार वैसे वेयर हाउस अपने को अपग्रेड कर लेना चाहिए, क्या बोलते हो? रुको पहले इसको बनवा लेते हैं ना अपन। तो इसमें तो अच्छा आ गया बिल्ड ऑप्शन। अब हमें इसके लिए भाई चीज़ें रखनी पड़ेंगी, और मुझे पता है इसके लिए बहुत सारा रिसोर्सेस लगने वाला है। तो मैं भाई जब तक रिसोर्सेस प्रोवाइड करवाता हूँ हमारे बिल्डर को। तो और ये भी यार यहाँ से हटा देता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया हमने क्लियर कर दिया है तो यही बचा हुआ था। और मुझे अपना वो फर्नेस भी जो हवा में लटका हुआ है वो भी हटाना पड़ेगा भाई। तो इसको भी हटा लेते हैं यार, क्योंकि हटाना तो है ही इसको भी। नाइस एक ही बारी में टूट गया पिकैक्स। यार हमारी बीस्ट है यार, मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है इससे खोदते वक्त देखा जाए तो, वैसे है ना। पता नहीं आप लोगों को होता है कि नहीं होता, बट मेरे को तो होता है यार। मतलब जब ऐसी चीज़ें टूटती है ना, देखो आहा, मतलब क्या ही एफिशिएंसी है भाई, बहुत तगड़ी एफिशिएंसी है, मज़ा आ जाता है एकदम। ये देखो एकदम ऐसे ऐसे करो और सब चीज़ें गायब आपके मुंह के आगे, बहुत ही बढ़िया भाई। मेरे को याद है भाई ये पानी को बर्फ़ बना देती है मशीन। ओ नाइस, चलो भाई उसने नींव खोदनी स्टार्ट कर दी है। अब आई थिंक इसको चीज़ें चाहिए होंगी। अच्छा यहीं से खोद रहा है ये, व्हाट द हैक। सो गाइज यार हमने उसको चीज़ें प्रोवाइड करवा दी है। अब जब तक वो थोड़ा सा बिल्ड करता है हम अपना इन्वेंट्री खाली कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री खाली होना बहुत ज़रूरी है भाई। हो यार इसने काफ़ी सारी चीज़ें डंप कर दी है। मुझे जब भी मौका मिलता रहेगा भाई मैं धीरे धीरे अपना इन्वेंट्री भी क्लीन करता रहूँगा, और साथ में अपना ये इतना बड़ा ज़ोंबी और ये मेरे पास ही आ रहा है, मरेगा। वन शॉट किल नॉट ए बिग डील। ये भाई ये तो करना ही था अपने को बहुत पहले ही यार। चलो सो जाते हैं यार। चलो भाई सुबह हो गई, और अब अपने को काम धंधा देखना है भाई। यहाँ पे अपना बिल्डर देखना है क्या क्या बिल्ड किया है इसने अभी तक। वैसे अभी तक इसने सिर्फ नींव ही खो दिया, कुछ ज़्यादा खास बिल्ड किया नहीं है यहाँ पे। बट हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बिल्ड करें। जब तक ये बिल्ड करता जब तक हम बाकी की चीज़ें यहाँ पे भाई फिट कर देते हैं। और सबसे पहले तो मुझे तालाब भरना होगा यार, और ये एरिया क्लियर करना होगा। ओ एक शॉट में मरी नहीं है भाई, पहली बार किसी को 3 शॉट लगे हैं। इसका मतलब ये बॉस थी। हाँ ये बॉस थी, देखो मुझे आर्मर देके गई है, काफ़ी अच्छा आर्मर है इसमें। और यार ऑल द मोड आर्मर की, यानी कि हमारा जो गोल्ड आर्मर है इसकी एक बात बहुत सही लगी मुझे कि इसमें फॉल डैमेज नहीं होता, हम जितना मर्जी ऊपर से नीचे गिर जाएं। ये सही है यार ये चीज़। और गाइज आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैंने यहाँ पे जो पेड़ उगाए थे भाई देख रहे हो कितने सारे पेड़ लग गए भाई यहाँ पे। तो गाइज ये वही खेती है जो हमने की थी भाई, तो ये पेड़ हमने ही उगाए थे भाई यहाँ पे ओक के। और अब इनकी ज़रूरत भी पड़ेगी जब हम अपनी कॉलोनी को धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। तो ये चीज़ सही है यार, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है अपने को साथ के साथ यहीं पर ही मिल रही है, कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है अपने को। बाकी यार स्प्राउस वुड की थोड़ी कमी हो गई है मेरे पास, तो स्प्राउस वुड का भी जुगाड़ करना पड़ेगा अपने को। सैपलिन लगानी पड़ेंगी स्प्राउस वुड की, तो फिर वो दिक्कत भी अपने को ख़त्म हो जाएगी। सो गाइस यार मैंने काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे फिर से थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, और चलो भाई इसको सही करते हैं और यहाँ पे भी हम कुछ लगा देते हैं। सबसे पहले तो यार हमें ये वाला काम भी देखना होगा। ओके इसको कुछ चाहिए भाई, क्या चाहिए रे बाबा तुझे?
अच्छा यार, इसको ग्रेवल चाहिए क्या? चलो अब ये काम शुरू करेगा। चल यार लग जा फटाफट काम पे यार, कितना टाइम लगाता है तू भाई। सुना नहीं क्या, जाना कर काम। पता नहीं जा रहा, अच्छा जा रहा है भाई। पता नहीं क्या इसका मूड है भाई, इसके मूड का कुछ नहीं कह सकते। इसने नींव पूरी की पूरी खोद दी है भाई। अब ये यहाँ पे सामान भरना शुरू करेगा। और यार एक चीज़ और है गाइस, जब भी आप बिल्डर से काम करवाओ ना, तो इस चीज़ का इन्वेंट्री ज़रूर से देखते रहना। ये रहा इन्वेंट्री, यहाँ पे फालतू की चीज़ें ना भरी पड़ी हो। और यार मैं आयरन की पिकेक्स और आयरन का एक्स रख देता हूँ अगर इसको ज़रूरत पड़ेगी तो, स्टोन वाला भी रख देता हूँ इन केस ऑफ इसको ज़रूरत पड़ती है। हाँ यहाँ पे आप चीज़ें देखते रहना, अगर कोई फालतू की चीज़ आप लोगों को दिखे तो उसको हटा देना, जैसे आयरन और ये सब चीज़ें, क्योंकि इन चीज़ों का ये यूज़ नहीं करता है भाई। ओके रात हो गई, हाँ रात हो गई है, शाम हो गई है, तो वो तो निकल गए भाई। आप घर पे, घर तो नहीं है अभी, वेयर हाउस है उनके पास, क्योंकि हाउस बनना अभी स्टार्ट हो रहा है। और गाइस अब देखो यहाँ पे जो है भाई, अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या प्रोडक्शन किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम गास्ट ईयर, ओ भाई 36 गास्ट ईयर निकल चुके हैं यहाँ पे। और उसके अबे इसके अंदर चूहा एक भाग गया भाई अंदर, पता नहीं कैसे घुस गया था वो। प्रोडक्शन खा रहा था क्या वो शायद मेरा, आई डोंट नो। तो थोड़े से और गास्ट हनी कॉम मिले भाई, ये ले लेते हैं और ये ले लेता हूँ, और ये कोल इसमें से निकाल देता हूँ। यार मैंने इसमें कोल क्यों रख दिया, चलो कोई नहीं। बाकी यहाँ पे कोल का प्रोडक्शन तो बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है भाई, और गास्ट ईयर का प्रोडक्शन भी अब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है भाई। चलो सही है यार, और अंदर चलते हैं और ये सामान मैं इसमें डाल देता हूँ भाई। कोल गाइस अपने पास काफ़ी सारा हो चुका है, नो डाउट। सो गाइस मैं एक मॉब प्रिजमेंट, तो एक मॉब प्रिजमेंट टूल बना लेता हूँ। इससे गाइस हम मॉब्स को पकड़ सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं हम इससे। और मैं ये एक से ज़्यादा बना लूँगा, क्या ये स्टैक हो सकते हैं? नहीं ये स्टैक नहीं हो सकते। सो गाइस जब भी आपको लगे ना कि आपके वर्कर्स के पीछे मॉब्स पड़े हुए हैं, तो आप ऐसा करना, इसके अंदर जाना वेयर हाउस के अंदर, और देखो ये बेचारे डरे हुए हैं सबके सब, तो इसके अंदर जाके हायर मर्सेनरीज ऐसे कुछ करके है, इसको आप हायर कर लेना। तो ये हायर करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ये देखो ये कुछ शिकारी आ जाते हैं, शिकारी नहीं बोलेंगे यार इनको, मतलब कुछ हेल्पर आ जाते हैं और ये हेल्प करेंगे भाई हमारे इसकी बिल्डर्स की और हमारे जितने भी कॉलोनी मेंबर्स हैं उनकी। तो भाई चलो ये चीज़ सही है यार, कोई तो आया हेल्प करने के लिए बेचारों की। और भाई इसने अपना बिल्ड करना शुरू कर दिया है, तो थोड़ी देर में तैयार कर देगा ये बिल्ड करके, काफ़ी फास्ट बिल्ड कर रहा है यार, सही है भाई। वो देखो गाइस वहाँ पे एक मर्सनरी भाई एंडरमैन से भिड़ गया है, देख रहे हो गाइस। और वहाँ पे इसकी हेल्प करने के लिए भी चले गए सबके सब। यस देखो भाई इन्होंने एक स्वॉर्ड में मार दिया भाई, शायद से इनके पास इंचेंटेड स्वॉर्ड है। हाँ मेरे को लगता है इनके पास इंचेंटेड स्वॉर्ड है भाई। और गाइस एक चीज़ और, ये मेरे को भी पेल सकते हैं, तो भाई इस चीज़ का मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेरे को भी पेल सकते हैं। क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि ये अपने गांव की रक्षा करते हैं, तो गांव में भाई कोई भी इनके गांव वासियों को मारेगा तो डेफिनेटली ये उसको पेल देंगे, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं गलती से किसी को मार ना दूँ, वरना भाई मेरी तो खैर नहीं है यहाँ पे फिर। और मैं एक रास्ता बना देता हूँ अपने गाँव में जो थोड़ा अच्छा लगेगा भाई। और यार रास्ता बनाने से ना गाँव में थोड़ी सी जान आ जाती है, देख रहे हो, रास्ता बनाने से ऐसा लगता है कि यार है यार कुछ, मतलब जान है कुछ, आने जाने का रास्ता बनाने से थोड़ा सही लगता है यार। कोबलस्टोन वुड लॉग, चल भाई जा फटा। अरे भाई मैंने क्या करा है, देख रहे हो गाइस आते चलते भाई मेरे को तलवार पेल के चला गया भाई, मैंने क्या करा है यार, डरा रहा नहीं हूं मैं उसको भाई, सामान दे रहा हूं उसको, हद ही हो गई यार इनकी तो भाई, ये तो अलग ही बंदे है यार, पेल के निकल गए मेरे को भाई, चलता बना दो तीन तलवारें रख के मेरे। तो यार थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं हम थोड़े से यहाँ पे ना स्प्राउस वुड के पेड़ भी उगा देते हैं, क्योंकि यार अपने को ना स्प्राउस वुड की भी जरूरत पड़ रही है, हम स्टोन के स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना तो इनकी भी जरूरत पड़ रही है। तो ये वाले पेड़ भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ थोड़े से, ताकि अपने को स्प्राउस वुड की भी कमी ना हो भाई, और फिर अपने पास सारे तरीके के वुड होंगे ना तो थोड़ा सा ईजी रहेगा फिर चीज़ें बनाना। तो ये भी मैंने यहाँ पे थोड़े लगा दिए हैं भाई, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ।
पेड़ लगाना अच्छी बात होती है वैसे। हाउस भी बना के इसने लगभग तैयार कर ही दिया है, थोड़ा सा रहता है। और रास्ता बनाने के लिए गाइज आप शॉवल का यूज कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे ना शॉवल से तो रास्ता बन जाता है। बेसिक सी चीज है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसलिए मैंने बता रहा हूँ भाई। रास्ते से यार अच्छा लगता है, एक जान आती है गाँव में। ये हमारा घर है भाई, आलीशान बंगला, और वहाँ पे हमारा गांव है, खेती बाड़ी हमारी हो रखी है। मतलब यार ऐश की ज़िंदगी है अभी तक तो, सच बताऊँ तो यार एकदम मज़ेदार भाई। और यार अब तो देखो मेरे को माइन की भी वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं माइन को टेम्परेरी बंद कर देता हूँ, टेम्परेरी बंद कर रहा हूँ ताकि यहाँ से मॉब्स वगैरह ना निकले, बाकी परमानेंट बंद नहीं कर रहा हूँ मैं इसको भाई। ओके गाइस, तो भाई इसने कंप्लीट कर दिया है घर। और भाई ये एक बहुत ही सही जगह है गाइस, वेयर हाउस। और यहाँ पे भाई सारा का सारा सामान जमा होए करेगा और लोग बाग जमा होए करेंगे। तो चलो इसने अपना हेल्थ भी ठीक कर लिया है भाई, चलो बढ़िया यार। अभी इसके इन्वेंटरी में कुछ तो नहीं है ना, अच्छा ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो यार ये चीज़ सही है भाई, इसने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। तो अब हम टाउन हॉल को लेवल 2 में कन्वर्ट करवाएंगे भाई, क्योंकि अभी अपने को थोड़ा बड़ा टाउन हॉल चाहिए भाई। तो बिल्ड ऑप्शन में जाते हैं और इसको अपग्रेड कर देते हैं लेवल 2 में। तो अब इसमें कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब अब ये लेवल 2 के लिए भाई बिल्ड रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो चलो भाई अब हम इसको क्रिएट करते हैं, और इसको क्रिएट करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यार मैं ऑफलाइन भी कुछ चीज़ें मतलब बिल्ड करवाऊंगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बिल्ड करवाने में, है ना। हम एक स्टोरी वाइज रखेंगे अपने इस कॉलोनी को, हम बिल्ड वाइज नहीं रखेंगे, क्योंकि बिल्ड यार बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, समझता हूँ यार मैं अभी आप लोगों के बारे में। तो रात हो गई है भाई, अभी देखो सब जा रहे हैं अपने अपने इधर उधर, और मैं भी चलता हूँ सोने के लिए गाइस। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। सपोर्ट करते रहिए यार, मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हो, आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि यार सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है यार यूट्यूब पे। तो बाय गाइस, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट, एज ऑलवेज, चाओ चाओ।